हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू। पेनासोया बायोटेक का दावा, हर साल 10 करोड़ डोज का होगा प्रेडिक्शन। कोरोना की दूसरी लहर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, दूसरी लहर को बताया चाइना का वायरल वॉर, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की है साजिश। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए केस, तो वहीं कोरोना ने 181 लोगों की जान ली। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,049 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, वहीं 48 लोग कोरोना से जंग हारे, मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,550 नए केस, जबकि 4,375 लोगों स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दिल्ली में 207 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैक्सीन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 45 प्लस वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर, दिल्ली को मिली कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पुणे में टास्क फोर्स बनाई गई है, बच्चों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट कोरोना हॉस्पिटल में 10% बेड रिजर्व किए गए। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच WHO का बड़ा खुलासा, कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 1,15,000 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। कोरोना टेस्ट के नाम पर बस सलूकी, बेंगलुरु में राहगीरों को पकड़कर जबरदस्ती जांच की कोशिश, इनकार करने पर पिटाई, महानगर पालिका कमिश्नर ने लिया संज्ञान। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,821 नए पॉजिटिव केसेज आए सामने, 196 लोगों की मौत हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस आए हैं सामने, जबकि 45 लोगों की हुई है मौत। असम में कोरोना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में 6,221 नए केसेज आए सामने, जबकि 84 लोगों ने दम तोड़ा। आज मिर्जापुर का दौरा करेंगे सीएम योगी, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मेरठ में तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस, 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 20 नए केसेज आए सामने, मेरठ में अब तक 129 केसेज सामने आ चुके हैं, 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट पहुंचा गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दाखिल की याचिका, गाजियाबाद प्रशासन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का। कोरोना संक्रमित एसपी नेता आजम खान की बिगड़ी तबीयत, फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाए जाने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। यूपी में ब्लैक फंगस पसार रहा है पैर, लखनऊ के KGMU में पिछले 24 घंटे में 14 मरीज भर्ती, 3 लोगों की हुई मौत, KGMU में अब तक 149 मरीज हो चुके हैं भर्ती। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के जिला संयुक्त अस्पताल में बुके देकर और हार पहनाकर कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को किया जा रहा है विदा, मरीज भी डॉक्टर्स का कर रहे हैं धन्यवाद। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर को लेकर जीतनराम मांझी ने उठाया सवाल, कहा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर स्थानीय सीएम की भी हो तस्वीर। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मंत्रियों को लेकर सरकार गंभीर, मंत्रियों को इलाके में दौरा नहीं करने की दी नसीहत, RGD ने बताया तुगलकी फरमान। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, बैठक में कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर मंथन हुआ। झारखंड में कोरोना के 1,394 नए मामले, 33 मरीजों की हुई मौत, राजधानी रांची में मिले 199 नए मामले। कोरोना संकट में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता को 1 लाख रुपए का अनुदान, मुख्यमंत्री के निर्देश पर खिलाड़ी कल्याण कोष से दी जाएगी सहायता। बिहार के सासाराम में श्राद्ध कार्यक्रम के बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। राजस्थान में कोरोना को लेकर मिली बड़ी राहत, एक दिन में महज 4,414 नए पॉजिटिव केसेज आए सामने, प्रदेश में कोरोना से 103 लोगों की मौत। राजस्थान के 5 जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वर्चुअल वितरण कार्यक्रम, सीएम गहलोत ने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और अजमेर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए वितरण। जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना ब्लैक फंगस के मामलों पर सुनवाई, कोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवाई की उपलब्धता पर सरकार से पूछे सवाल, बिना टेंडर जारी किए दवा की व्यवस्था करने के निर्देश। रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन रैकेट मामले में सरबजीत मोखा के बेटे हरकरण को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की मिली थी जानकारी। पंजाब हरियाणा हिमाचल में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए केसेस, 24 घंटे में पंजाब में 4,539 नए केसेस सामने आए। मॉडर्ना के बाद विदेशी कंपनी फाइजर का भी पंजाब को सीधे वैक्सीन देने से इनकार, नोडल अधिकारी विकास गर्ग ने दी जानकारी। हिमाचल में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, पहले की तरह जारी रहेंगी पाबंदियां। परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा अभी नहीं है अनुकूल समय, हालात सामान्य होने पर आयोजित करवाई जाएगी परीक्षा।
पूर्व मंत्री जीतमल खाट का कोरोना से निधन, उदयपुर के चिकित्सालय में ली आखिरी सांस, 3 बार विधायक रह चुके हैं खाट। नए सीबीआई डायरेक्टर की जल्द हो सकती है नियुक्ति, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में 3 नामों पर चर्चा, यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी का नाम भी। पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ कई पूर्व राजदूतों, जजेस और साथ ही सिविल सर्वेंट्स ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, एसआईटी से जांच कराने की भी अपील की है। ट्विटर के दफ्तर यानी कि दिल्ली पुलिस से नोटिस देने गई थी स्पेशल सेल की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। टूलकिट पर मैनिपुलेटेड टैग के मामले में एक्शन। महाराष्ट्र एटीएस के नए चीफ बने विनीत अग्रवाल, 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। हरियाणा के रोहतक में अग्रसेन स्टेडियम में पहलवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर हुई मौत, 2 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। पंजाब के बरनाला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, एक गुस्से सांड ने बुजुर्ग की ली जान, सांड ने सड़क पार कर साइकिल सवार पर किया हमला, इलाज के दौरान मौत। दुबई के गाजियाबाद में कारोबारी से मांगी गई रंगदारी, रंगदारी मांगने के लिए शादी के कार्ड का हुआ इस्तेमाल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेठी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। राजस्थान के टोंक में सड़क किनारे बैठे शख्स को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। राजस्थान में नशे के सौदागर सक्रिय, जयपुर वेस्ट में 25 लाख तो अजमेर से 34 लाख नशीली टैबलेट बरामद की गई, 3 कंपनियों पर छापे में मिली 117 कार्टन नशीली दवाइयां। जोधपुर में पति पत्नी के झगड़े में मासूम की हुई हत्या, गुस्से में कलयुगी पिता ने मासूम को फर्श पर पटका, वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार। प्रतापगढ़ के धोलापानी में युवक का मर्डर, हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया, परिजनों ने आरोपी के घर के सामने किया अंतिम संस्कार। दतिया के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री पीताम्बरा मंदिर के बाहर बना प्राचीन गेट ढहा, ट्रैक्टर के टकराने से गिरा गेट, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।